क्या बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे इंतजाम नहीं किए हैं और इंतजामों को लेकर बद इंतजामी हुई है, लापरवाहियां बरती गई हैं जो क्रिकेट फैन होने के नाते हमारी फजीहत करवाती है? कई इंसिडेंट्स ऐसे निकल रहे हैं जिसके बाद ये सवाल जो है धीरे धीरे उठने शुरू हो गए और प्रॉब्लम ये है कि अभी वर्ल्ड कप की शुरुआत है। जब फील्डिंग कर रहे थे, खिलाड़ी डाइव मार रहे थे, तो कई जगह दिखाई पड़ा कि घास जो है वो उखड़ जा रही थी और खिलाड़ियों के घुटने बार बार जो है वो स्लिप में हो रहे थे। मुझे वो रहमान साथ घटना घटित हुई, उसके बाद लोगों ने कहा भैया ये आउटफील्ड है या यार ये मौत का कुआं। सडनली उनकी डाइव के दौरान वहां पर दिखाई पड़ा कि जो पीछे पूरी मिट्टी है, घास, वो पूरी घास उजड़ जाती है और पूरी घास का चेहरे पे आना, आंखों में जाना। और क्योंकि आउटफील्ड के पास हमने देखा कई बार सामान रखे रहते हैं या फिर बाउंड्री लाइन होती है, तो रन जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, लेकिन चोट लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार क्या ये लापरवाही, ये बदइंतजामी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होनी चाहिए? सामनेक्रम वर्ल्ड कप 2023 के अभी गिने चुने 4 मैच ही हुए हैं, लेकिन भारतीय बोर्ड की नाअहली पूरी दुनिया पर आया हो चुकी है। शायकीन की अदम दिलचस्पी, सीटों और स्टेडियम का इंतहाई गंदा और नाकिस सफाई के इंतजाम, ये तो चले एक बहस थी ही। इस पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पूरी दुनिया से जिल्लत का सामना करना ही पड़ रहा था। लेकिन कल जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ, जो कि अफगानिस्तान वैसे तो हार गया, लेकिन उसमें जो आउटफील्ड की हालत थी, उसने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वर्ल्ड कप के इंतजाम के लिए उनकी घटिया कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। खुद भारतीय सहाफी अब जेशा की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं कि हमें सालों पहले पता था कि वर्ल्ड कप 2023 भारत में होना है, लेकिन फिर भी इतनी बद इंतजामी क्यों? और वो विजुअल आपने जरूर देखे होंगे जिसमें अफगानी स्पिनर बाउंड्री पर डाइव लगाते हैं तो सारे कीचड़ और मिट्टी से वो लतपत हो जाते हैं। किसी प्लेयर के ऊपर मिट्टी गिरना या फिर कीचड़ में उनका लतपत होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त वर्ल्ड कप प्लेयर्स में सबसे बड़े कंसर्न्स इंजरीज के हैं। और ऐसा तो किसी ऐसे मुल्क के क्रिकेट ग्राउंड में भी नहीं होता होगा जो कि क्रिकेटिंग नेशन भी नहीं, जिस तरह भारत के कैपिटल के एक इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में गुज़श्ता रोज हुआ और उस पर बकायदा तौर पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कोच जोनाथन ट्रोट का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका कहना था कि हम बड़े हैरान हैं कि मुजीबुर्रहमान ने इसके बाद बॉलिंग भी करवाई है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने डाइव लगाई और उनका घुटना मुड़ा और आउटफील्ड का पूरा वो एरिया और उससे घास और कीचड़ उड़कर दूर जा गिरा, उससे तो हमें ये लग रहा था कि मुजीबुर्रहमान लाजमी तौर पर अब इंजर्ड होंगे। उन्होंने साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पैगाम भी दिया कि अपने क्रिकेट ग्राउंड्स को बेहतर किया जाए ताकि जो इंजरी के मसाइल हैं वो हमारे प्लेयर्स या दुनिया के किसी भी प्लेयर को ना हो। अब इस सारे मामले पर भारत का मीडिया भी सामने आ चुका है। भारतीय सहाफी शुभंकर मिश्रा ने अपने बोर्ड की खुलकर क्लास ली है और ये तक कहा है कि अगर हमारे पास इतना पैसा होने के बावजूद भी इतने भी इंतजाम नहीं हो सकते, कभी सीटें गंदी होती हैं, शायकीन तस्वीरें बना बना कर पोस्ट करते हैं, आउटफील्ड के ये अगर हालात हैं तो फिर किस तरह लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट में डेवलप होगा? और भारत जिस क्रिकेट को अपने मजहब का एक हिस्सा समझते हैं, उनके साथ अगर इस तरह किया जाएगा तो फिर दुनिया की तनकीद भी जायज है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भारत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड खासकर जे शाह पर कैसे तनकीद की जा रही है। क्या बीसीसीआई ने 2023 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे इंतजाम नहीं किए हैं और इंतजामों को लेकर बद इंतजामी हुई है, लापरवाहियां बरती गई हैं जो क्रिकेट फैन होने के नाते हमारी वजीहत करवाती है? कई इंसिडेंट्स ऐसे निकल रहे हैं जिसके बाद ये सवाल जो है धीरे धीरे उठने शुरू हो गए और प्रॉब्लम ये है कि अभी वर्ल्ड कप की शुरुआत है। लेट्स जस्ट होप कि इस वीडियो के जरिए या ये जो बातें हम उठा रहे हैं इसके जरिए जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाए और आने वाले वक्त में भारत में वर्ल्ड कप को लेकर हमें गौरवपूर्ण क्षण मिले, ना कि सवाल उठाने वाली बात हो। कई सारी घटनाएं हुई, आपको याद होगा कि हैदराबाद में सीट को लेकर एक सवाल उठा था कि बहुत गंदी सीट थी और वहां पर सवाल खड़े हुए। उससे पहले 40,000 लोगों को लाने की बात कही गई थी, उसमें भी एक कहानी निकली थी कि वो अलग बात बताकर लाई गई थी, लेकिन वो सारी बातें हम साइड में रखते हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये कि धर्मशाला में मैच चल रहा था और आउटफील्ड में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बीच में एक ऐसा सीन आया जिसको देखने के बाद अफगानिस्तान के कोच जो हैं जोनाथन ट्रॉट, उन्होंने भी सवाल खड़ा कर दिया। इस मैच में जब फील्डिंग कर रहे थे, खिलाड़ी डाइव मार रहे थे, तो कई जगह दिखाई पड़ा कि घास जो है वो उखड़ जा रही थी और खिलाड़ियों के घुटने बार बार जो है वो स्लिप में हो रहे थे। मुझे वो रहमान साथ घटना घटित हुई, उसके बाद लोगों ने कहा भैया ये आउटफील्ड है
यार ये मौत का कुआं है। हाँ ये सवाल बहुत लाजमी है क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के फिटनेस को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए और बहुत सारे लोगों ने सवाल शुरू कर दिया कि यार क्या यहां पर जो ये मैनेजमेंट था ये बहुत खराब था, मतलब इस तरह से तो चोट लग जाएगी और खिलाड़ियों को नुकसान हो जाएगा। अब देखिए केन विलियमसन चोटिल हुए थे उसके बाद 6 महीने लग गए और अभी भी रिकवरी नहीं हो पाई है और न्यूजीलैंड जानती है कि उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है। ऐसे ही नौके बाहर बैठे हैं तमाम खिलाड़ियों के बाहर होने की बात है। लेकिन इस मैच में बहुत सारे सवाल शुरू हुए। हालांकि धर्मशाला का जो ये ग्राउंड है ये इंडिया के सबसे खूबसूरत ग्राउंड में से एक है, इंडिया ही नहीं इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि विश्व के सबसे खूबसूरत ग्राउंड में से एक है। यहां की आउटफील्ड लेकिन उतनी ही खराब नजर आती है और बहुत सारे सवाल शुरू होते हैं। बहुत सारे खिलाड़ियों को शिकायत हुई, खासतौर पर एक सीन बड़ा वायरल हुआ जब मुजीबुर रहमान जो है वो डाइव लगा रहे थे और सडनली उनकी डाइव के दौरान वहां पर दिखाई पड़ा कि जो पीछे पूरी मिट्टी है घास, वो पूरी घास उजड़ जाती है और पूरी घास का चेहरे पे आना, आंखों में जाना। और क्योंकि आउटफील्ड के पास हमने देखा कई बार सामान रखे रहते हैं या फिर बाउंड्री लाइन होती है तो रन जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं लेकिन चोट लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और इसीलिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार क्या ये लापरवाही, ये बदइंतजामी जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि जोनाथन ट्रॉट ने इसको लेकर बाकायदा सवाल खड़े किया, उन्होंने कहा कि यार ये सही नहीं है। उनका घुटना जैसे मुजीब का अटका था, वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और अगर वो चोटिल होते तो अफगानिस्तान के नुकसान होता, अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा तकलीफ होती क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अब जोनाथन ट्रॉट की तरफ से इसके बाद कहा गया कि यार हमारे प्लेयर्स जो थे वो बहुत ही शॉक थे और इस बात को लेकर हैरान थे कि क्या करें, मतलब इस फील्ड पे क्या हम डाइव लगा सकते हैं और क्या डाइव लगाने के बाद हम अगला मैच खेल पाएंगे। तो ये बहुत ही चिंतित बात थी। उनका ये कहना था कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मुजीबुर रहमान फिट हैं, उन्हें चोट नहीं लगी, अगर लगती तो फिर हम बहुत परेशान होते, लेकिन हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस बात पर ध्यान दें, इस बात को सोचें कि न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि दूसरी टीम के प्लेयर जो हैं वो भी चोटिल हो सकते हैं और इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर काम किया जाए। हालांकि मैच अफगानिस्तान हार गई, बुरी तरह हारी, लेकिन आउटफील्ड का सवाल जो है वो लगातार बरकरार, और ये बरकरार इसलिए भी है क्योंकि ये वो आउटफील्ड है जहां पर अभी कई और मैचेस होने हैं, मतलब बैक टू बैक यहां मैचेस होने हैं और अगर यही आउटफील्ड रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इनफैक्ट इंडिया का भी मैच जो न्यूजीलैंड के साथ है वो इसी ग्राउंड पर होने वाला और ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस ग्राउंड पर इंडिया अपने प्लेयर्स को लगाकर खेलेगी, मतलब ये काफी शॉकिंग है। ऐसी एक तस्वीर जो है वो और आई थी जब हैदराबाद में मैच चल रहा था और बीसीसीआई को लेकर तब भी सवाल खड़े हुए थे कि बहुत ज्यादा खराब सीट है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था हैदराबाद में और हालांकि वो मैच जो है वो प्रैक्टिस मैच था लेकिन प्रैक्टिस मैच में जिस तरह से सीट पर फप्तियां कसी थी, गंदगी पड़ी थी, वो काफी ज्यादा फजीहत का विषय बने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली। और उस टाइम भी बहुत सारे पोस्ट आए थे इंडिया से, पाकिस्तान से कि यार हैदराबाद